Assalamualaikum, मैं हूँ सिद्रा, मेरे साथ है सैयद अली हैदर एंड वेलकम टू आवर चैनल सिद्रास डायरी। यस, और आज होने जा रहा है खुदा मोहब्बत का एक बड़ा ही मज़ेदार रिव्यू सिद्रा करेंगे अभी, क्योंकि दिस ड्रामा हैज टर्निंग टू अ वेरी डिफरेंट पॉइंट। और यस अगेन, जैसा हमने लास्ट एपिसोड में भी कहा था कि अब ड्रामों ने पेस पकड़ लिया। अच्छा, ये शुरू करने से पहले आई जस्ट वॉन्ट टू थैंक यू, मेरी लास्ट जो वीडियो थी कुकिंग वाली, yes, उसके लिए yes. आप सब ने बहुत ज़्यादा देखा, बहुत ज़्यादा प्यार दिया, बहुत कमेंट्स किए, एंड द बेस्ट पार्ट इज कि मुझे बहुत ज़्यादा डीएम्स आए हैं। yes. और जो हम लाइव गए उसमें कितना अच्छा रिस्पांस आया सबका, यू नो, रिमेम्बर। इंशाल्लाह आया करेंगे, बस वो थोड़ा सा ये होती है कि आप ही के लिए हम काम कर रहे होते हैं, वीडियोज बना रहे होते हैं, तो वो हमें होता है कि जब भी हम आए फुली आपके साथ डेडिकेटेड। और पता है, अब मैं बताऊँ इस ड्रामे के बारे में जो मुझे फील होता है, वो जो उसकी एसेंस है ना, खुदा और मोहब्बत, वो अब आना शुरू हुई है। मतलब यहाँ पे खुदा और मोहब्बत वो चीज़ें जो है इंटरसेक्ट कर रही दूसरे को। अच्छा, यहाँ पे मेरा थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट है अली के साथ इस बात पे, आगे जाके मैं बताऊंगी। हाँ ठीक है, आई नो, डेफिनेटली यू कैन ऑलवेज ऑप्ट टू डिसएग्री, वो तो आप भी एग्री या डिसएग्री कर सकते हैं, आप कमेंट्स में बता सकते हैं। खैर जी, शुरू करते हैं। आपको पता है क्योंकि अब 40वां आने वाला है, दिखा रहे हैं कि तैमूर का 40वां होने वाला है, और माही के पेरेंट्स का कंसर्न है कि जी उनकी तरफ से अभी तक कोई इनविटेशन नहीं है, जो कि एक बहुत जेन्युइन कंसर्न exactly. है। देखिए, मैं ये नहीं कहती, उनका बेटा फौत हुआ है, जो जागीदारनी है उनका बेटा फौत हुआ है, बहुत बड़ा लॉस है, लेकिन आप ये भी अंडरस्टैंड करें कि माही भी किसी की बेटी है। yes. और वो बेवा हुई है, बेवा हुई है, उसकी भी जिंदगी, क्योंकि ये जो होते हैं ना, ये इस टाइप के लोग जो ज़रा थोड़ा पीरी फकीरी और इस साइड पे, वहाँ पे ना ये सेकेंड मैरिजेस का कमी रिवाज होता है। exactly. और लड़कियों के लिए मतलब नामुमकिन सी बात है। exactly. तो वो उसकी माँ का कंसर्न बड़ा सही है कि जी वो उन्होंने हमें बुलाया नहीं है, शी नोज के कुछ तो वहाँ पे उसकी बेटी के साथ सही नहीं हो रहा, वो एक मदरली इंट्यूशन आ रही है। वेरी अब तो बड़ा ऑब्वियस है, जिस तरह से वो कोल्ड हुई हुई है, उसकी जो सास है, हाँ हाँ, ये देखो मैं बताऊँ एक बात आपको, मेरा ख्याल है एनीवन कैन लूज हिज माइंड, हिज और हर माइंड, अपना बच्चा लूज करने के बाद। वो दिखाया है गांव की औरत है, जागीरदारनी है, बट वो इतना एक्सपोजर, इतनी पढ़ी लिखी तो है नहीं कि वो समझे कि ये रब की करनी होती है, अभी भी वो सुपरस्टिशंस पे यकीन रखती है। और हाँ। एक बात तो ये बात है कि ये बात कहीं ना कहीं खुद वो वाले भी एडमिट कर रहे हैं, ये जो पीर साहब हैं, कि इसकी नाजिम की दुश्मनी की वजह से। देखिए वो आई एग्री, लेकिन कभी वो भी नहीं चाहते होंगे कि उनकी बेटी के साथ। देखिए ये जो होते हैं ना, इस जो भी जागीरदार टाइप लोग हैं, इन सब के दुश्मनी होती है। और ये आपको शिष्टता करने से पहले सोचना चाहिए था। एग्जैक्टली, आपको भी पता था कैसा खानदान है, दुश्मनदार खानदान है, उनके बीच में जाना चाहिए। देखिए अभी ना मारते, आगे जाके मार देते, तब भी माही का कसूर होता। माही का तो कसूर ही नहीं है, आप उसके घर वालों को ब्लेम कर रही हो, ठीक है आप उसके भाई को ब्लेम करती हो, आई अंडरस्टैंड, लेकिन माही को आप किस बात, आप उसके घर वालों के साथ अच्छा रवैया नहीं रखो, अंडरस्टैंडेबल, माही के साथ आप क्यों इतना बुरा सलूक करें। एक और पॉइंट जो मैं, यस, इसके ऊपर ना आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ इट, मैं बड़ी लास्ट में मैंने हल्की सी बात की थी, लेकिन ना इस दफा खुल के बात, हाँ, क्योंकि देखें इद्दत 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 जब से तैमूर गया है ना, वो तब से जी इद्दत इद्दत हो रही है। ठीक है जी, माना पहली चीज, माही जिस घर से बिलोंग करती है वहाँ पे पर्दा, रख रखाव, बाहर किस तरह जाने, किसी गैर मर्द की नजर तक नहीं यहाँ पे पड़नी चाहिए, एक तो वो हो गया कॉन्सेप्ट। ठीक है, इद्दत को भी दो मिनट साइड पे कर दें। उसके बाद जी इतना सख्त पर्दा था कि वो कॉलेज भी जो थी वो विमेंस कॉलेज में जाती थी, और वहां पे भी वो बुर्का पहन के जाती थी। ठीक है, और अगर उसने घर से बाहर आना होता था तो पूरी हवेली के अंदर पर्दे का ऐलान होता था, पर्दा है जी, पर्दा पर्दा होता था, और उसके पर्दे गिरते थे, मर्द भाग जाते थे, और जनान खाने में किसी मर्द को गुजरने की भी इजाजत नहीं थी। दूसरी तरफ आप दिखा रहे हैं कि वो तैमूर की बेवा है वहाँ। अच्छा देखें यार, हमें इतराज ना होता अगर आप लोग ये वर्ड ना करते यूज, आप सब ये कहते हैं ना कि शी स्टेइंग हियर ओनली बिकॉज, क्योंकि वो और जस्टिफिकेशन बनती नहीं है। आपने उसको दिखाया जी इद्दत है, इद्दत के अंदर कोई एक काम वाली इद्दत वाला नहीं है, आप इद्दत को भी छोड़ दें। वो तो नॉर्मली भी देखें, जब इस तरह के घर से आप आते हो ना, जहाँ पे आप सर ढकते हो करते हो, तो फिर आप हर मर्द के सामने, हर ना महरम के सामने अपना सर कवर करके, अब तैमूर का भाई सिकंदर इज योर ना महरम, आप इद्दत में उसके साथ कैसे उसके सामने आ रही हो, गले में दुपट्टा डाल, लेकिन गले में। मैंने आपको पता एक बात की थी, मैंने कहा था सबसे बेहतरीन इसकी इद्दत कहाँ गुजरती,
इसके अपने मैके यानी अपने घर में, वहां पर भाई भी है इसके लिए जो है वो ना महरम नहीं है, बाप भी नहीं है, तो बड़े आराम से इबादत गुजर। वहां पे तो वैसे ही इतना पर्दा है तो वो तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छी इद्दत गुजर सकती थी वहां पे उनकी, प्रॉपर जो एक इस्लामिक तरीका है उस तरीके से गुजार सकती थी वहां पे। अच्छा पिछले एपिसोड में वो जेठ के कमरे में थी, इस दफा वो जेठ के लिए के उसमें आ रही है, फिर अब आ जाएं जी चेलम पे जो जी चेलम का टाइम आ गया है वहां पे। तो खैर मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगी कि जो एक्टिंग है दोनों की, जागीदारनी की जी और पीरनी की जॉब से वो कोल्ड वाइब है, वो कोल्ड वॉर चल रही है दोनों के दरमियान, उन्हें अनुएंच करके देखा, उन्हें अनुएंच करके देखा, बट अगेन इट वाज वेरी जेन्युइन, मुझे बड़ा अच्छा लगा। वो बड़ा अच्छा एक पीर साहब तो डिनाइल में है ना, उन्होंने कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ, डोंट वरी नथिंग। मुझे ना खैर उनका ना कैरेक्टर थोड़ा अजीब लग रहा है कि यार आपकी बेटी बेवा हुई है, आपका भी यही कंसर्न होना, ऐसे ही होते हैं पर तो है नहीं, उनको क्यों नहीं परवाह हो रही, हवेली की इज्जत से बढ़के कुछ नहीं होता, ऐसे नहीं बाहर में गई ऐसी इज्जत, ना ना नहीं मुझे नहीं समझ आ। अच्छा खैर हाँ अच्छा जी, उससे पहले मैं बात करना चाहूंगी रुमाना जी की। रुमाना जी एक बहुत मैं पहले कर चुका हूँ आपको याद होगा, अब और बात आई है सिद्रा के जिंदगी में बहुत अच्छी, एक चीज मुझे समझ नहीं आती है, उनको आपने प्रोस्टिट्यूट ही दिखाया राइट, यस आपने उनको तवाइफ उनको आपने कोठे वाली यू नो जो भी आप नाम दे दे उसको, या इतना अदब, आई कुडंट फाइंड अ डीसेंट नेम एक्चुअली, एग्जैक्टली देखिए डीसेंट नेम क्या सही बात है, दिस इज व्हाट दे आर एग्जैक्टली, ठीक है जो वो है वो माना कि जी ठीक है, मुझे पता है कि इनकी सो कॉल्ड पता नहीं इसी मूवीज में और इन्हीं में देखे, वैसे रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता कि जी उसकी अटैचमेंट बहुत हो गई है सिकंदर भाई के साथ और सिकंदर भाई ने उनका महाना लगा, अच्छा सिकंदर भाई ने उनका महाना लगाया हुआ तो सिकंदर भाई ने उनको कोठे पे रखा हुआ है जहां वो मुंह छुपा के जाते हैं, हां किसी चंगे जी मेरी कार लेके दे दे एक फ्लैट ले दो, यही करते हैं लोग एग्जैक्टली, जब करते हैं तो यही करते हैं ना, आई डोंट नो इफ आई कैन यूज दिस वर्ड, या वी कैन यूज इट, या कीप रखे रखते हैं, जब वो रखते हैं मेरी बात सुनो, वो उसको हीरा मंडी में तो नहीं रखेंगे ना, कि जब जाते हुए भी उसको पूछ पा के जाना पड़े, वो बड़ी अच्छी जगह पे फ्लैट फ्लूट लेके वहां पे रखते हैं ताकि जब वो जाए विजिट करने के लिए उनको अपना मुंह ना छुपाना पड़े। और दूसरी चीज ठीक है आई अंडरस्टैंड शादी नहीं आप कर सकते क्योंकि आप लोगों को ये डर होता है कि जी सिकंदर को ये डर होगा कि कहीं वो क्लेम ना कर दे दुनिया के सामने ना आ जाए, लेकिन आप उसको एज अ कीप वहां पे भी तो रख रहे हैं ना, तो आप उसको किसी फ्लैट फ्लूट में कर दें। और मुझे ना इतनी सोफिस्टिकेटेड मेरी ख्वाहिश है कि मुझे इतनी कल्चर्ड इतनी सोफिस्टिकेटेड इतनी रख रखाव वाली हद्दे अदब किस्म की हद्दे अदब और जिल्ले इलाही एक तो अदाब करना है उसको, उसने ना उस फीदी को भी अदाब करती है, अदाब पता नहीं अदाब अदाब करती है अल्लाह जाने, मैं तो उसको देख रहा हूँ उस कैरेक्टर को देख के बड़ा इरिटेट होती हूँ, एक तो मेहंदी नहीं लेंदी ना ओदी दा ओदी टांगे टांगे ते यार क्या किड़ा किड़े जमाने च रह रहे हो तांग मेरी जो तवाइफों की जो कमाई है उससे ज्यादा महीने का दे देते जोड़ के तू जोड़ की तवाइफों की कमाई तुम्हें नहीं पता बहुत होती है आपको क्यों होता है नहीं मैं मेरे को कितने पैसे नहीं है लोका ने अपनी जदादा वेच छड़ियां और ये कहेगा नहीं साडा जदादा वेच छड़ियां ने हां जदादा नामराद ने भी तो जदादा भी यार लोग इनके पीछे इनकी जदादे जो लोग इनके पीछे बेचते हैं वो जदादे का ये का क्या करती है उनका चैरिटी कर देती है इनके पास रहती है अम्मा अम्मा ने एक बड़ी अच्छी बात की थी जो अम्मा हैं उन्होंने बात की थी कि ऐ ते तुसी जानदे हो पूरे कपड़े आंच हां आंदे हो कछे च नंगे चलो जी रुमाना भी आ गई क्योंकि उसकी वो जो ओवर एक्साइटेड था उसकी वो लड़की बैठी थी ना हम भी चलेंगे थोड़ा सा तो दुख करो किसी का जवान भाई और आपके हिसाब से रुमाना जी का इश्क है सिकंदर तो उसके भाई के लिए तुम कुछ तो चलिए हम भी चलेंगे कपड़े मिलेंगे। खैर जी वहां पे मुझे एक चीज बड़ी ऑफ लगी फिर से अगेन
पर्दा पर्दा इद्दत 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 के अंदर जी वो बाहर आई हुई है सारे क्योंकि वहां भी फकीर और सब आ रहे दिखा रहे वही ओए ओए छोड़ तो सारी बातें और जो खैरात हो रही है ना और जो जागीरदार साहब और जागीरदारनी साहब खैरात कर रही है यार और वो नहीं होता जेड़ा जिस किराने वाले मिणके देंदे ने तुहानू मिणके देंदे ने ना ए कहंदे ने यार एक पाव दाल दे चीनी दे मैनू एक पाव चीनी दे वो इंज करदा है ते पाण लगे वीरो इंजन करदा है इंजन करदा है इंजन करदा है वो वधना चली जाए हां बेटा एक टिश्यू देना जरा मुझे सॉरी जी मैं टिश्यू वो ना मैं रो नहीं रही अच्छा लो जी इनको ना वो कहते जो ना वो जागीरदारनी जी वो कहती हैं जी कि खरात नहीं खरात नहीं वो कहते वो अनाज निकलवा के दे दो हाँ सबको बांट दो खरात खरात सबका मैं पता नहीं कितना का अनाज होना है एक एक बंदे दे मोटे दे बोरी होनी है पूरी पूरी वो दो बोरियां रख के ना उस विच और जेड़ा मिणन वाला होंदा है और इन चुक के ना ये मुठ्ठी मिण मिण के दे रही है वो खरे दी एक रोटी नहीं पकड़ी ओए दो बुरकियां नहीं ले जानी की कर बोरियां दी जाती हैं बोरियां हाँ, यार हम जैसे लोग भी अगर किसी को देना तो पूरा आटे का तोड़ा देते हैं अल्लाह का शुक्र है रमजान की जब राशन देते हैं तो एक राशन में पूरा एक अच्छा 20 किलो का आटे का तोड़ा होता है ये जागीरदारनी है और दो तोड़े आटे के रख के उसमें से ऐसे निकाल के दे रही इतनी इतनी मुट्ठी अच्छा अब फिर वही वाली कमिंग बैक टू माय पॉइंट मुझे फिर नहीं अच्छा लगा आप दिखा रहे हो कि जी वो इद्दत में फिर उसने इस तरह करके नॉर्मल ऐसे गले में दुपट्टा डाल के सर जरा से यूं करके बुकल जी मार के तो जी वो खड़ी हुई वहीं पे जो उसको उसकी सास ने कहा बंदा पूछे तुझे नहीं पता नहीं, तो आप, नहीं तो आप ये जो गाँव वाली साइड होती है यहाँ पे तो आदमी जब वो पर्दा होता और मैं भी गांव से यार गांव में ना नहीं खातिन बाहर आके वो बांटा बूटा नहीं करती नहीं अगर बांटे भी तो औरतों को देती है ना ये थोड़ी की मर्द भी वहीं पे आ रहे हैं और आपको पता है गुजरने की भी इजाजत नहीं होती है उनको इतनी इतना वो रख रखाव और इतना उनका वो रिस्पेक्ट दी जाती है क्योंकि उनको यही कहा जाता है इसी तरह का माहौल ही इस तरह का क्रिएट होता है वो और है अच्छा जी वहाँ पे बाबा जी भी आए उन्होंने दुआ की है वो सारा सीन अच्छा लगा मुझे फीदी क्यों नाल नथी हो गया नहीं फीदी उनका आई थिंक ही इज डिसिपल ही इज हिज डिसिपल आई गेस अच्छा यहाँ पे ना बिफोर वी एंड दिस एपिसोड आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट फीदीज कैरेक्टर आई बिलीव फिरोज खान एक इंतहाई अच्छा एक्टर है यानी इतना अच्छा एक्टर वो आदमी मैं उसकी फैन हो गई थी व्हेन आई वॉच्ड हिज ड्रामा खानी उसके बाद मैंने उनको इश्किया में देखा और मैं कहती हूँ इतनी सुपर्ब एक्टिंग वो करता है ही सो गुड विद हिज आईज एंड हिज फेस एंड एवरीथिंग मुझे दुख हुआ इस कैरेक्टर को देख मैं इतने एपिसोड से देख रही हूँ और इसका इनका जो कैरेक्टर है ना फीदी का ये एपिसोड 20th एपिसोड है इतना बुरा लिखा गया है पहली एपिसोड्स में आपने उसको एक इंतहा का टॉक्सिक स्टॉकर हरासर सारा कुछ आप जो जो हरासर नहीं था सिर्फ स्टॉकर हरास भी कर रहे हैं ना वो आपको उसको यूं आके कि तुम मुझसे प्यार क्यों नहीं कर रही करो मुझसे प्यार ले आपने उसका इतना गलत कैरेक्टर दिखाया उसके बाद चलो जी आई अंडरस्टूड गलत लोग कन्वर्ट हो जाते हैं हाँ ठीक है मेरा ये पॉइंट है मानना कि यहाँ पे इतनी हल्की राइटिंग थी आपने अगर खुदा और मोहब्बत के पहले दो सीजन देखे हो ना आपको मजा आता है बिलीव इज फीदीज ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम अ रेगुलर बॉय टुवर्ड्स समवन हु इज स्पिरिचुअली मोर नहीं जो के अपने आप को कह रहे कि जी मैं अब फकीर हूँ हाँ 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 मैं फकीर हूँ भाई आप में फकर कहाँ से आ गया पॉइंट नोट कीजिएगा फकीर ऐसे मिलती है फकीर हूँ नहीं कुड़ी दे पीछे लग के बिस्ती करा के एंड फकीरी लग दी आप ये नहीं फकीर वास्ते बड़ा कुछ करना पड़ता है इस तरह तो जितने लोगों का आज तक हार्ट ब्रेक हुआ है जाके दाता साहब भाईजन तो कहते मैं फकीर हूं एंड यू डाई आपको जो दिखाना है चाहिए ना यू हैव टू गो थ्रू अ प्रोसेस मैंने सत्रह को एग्जांपल दी थी आपने कहा हजरत यूसुफ वाली वो देखी हो सीरीज देखी हो उसमें जुलैखा का जब दिल टूटता है हजरत यूसुफ उनको नहीं मिलते तो जब वो अल्लाह की तरफ जाती है तो वो एक बड़ा बड़े नाबीना हो जाती है वो सड़कों पर रुलती रहती है वो एक प्रोसेस होता है उसको फिर अल्लाह मिलता है दुनियावी इश्क से इश्क हकीकी तक पहुंचने के लिए एक सफर होता है ये नहीं होता कि आपको एक लड़की ने छोड़ दिया आप उसके लिए जाके वहां पे बैठ के रो रहे हो और अचानक से आप फकीर बन गए नहीं मेरे हिसाब से जो इसका कैरेक्टर को दिखाना चाहिए था ठीक है यही दिखाते कि वो एक बेवकूफ सा लड़का था उसका एक्सपोजर नहीं था उसको हार्ट ब्रेक हुआ हार्ट ब्रेक के बाद अब वो दिखाया कि दरबार वो भी ठीक था दरबार में चला गया वहां पे बैठता सुनता ऐसा क्या था जिससे उसको ट्रांसफॉर्म किया एज अ व्यूअर आई वुड वांट टू सी कि आपने जर्नी नहीं दिखाई जर्नी हां नूर साहब के साथ बैठ के कोई दर्स लेता कुछ सुनता कुछ
नमाज पढ़ता अल्लाह को फील करता वो थोड़ा सा एक देखिए जितने आपने एपिसोड जाया किए थे ना फिदी की मौत के फिदी के जी फिदी मर गया फिदी एस्टैब्लिश हो सकता यहाँ पे आप अगर सिर्फ दो एपिसोड्स के अंदर उसकी जर्नी दिखाते ना आई बिलीव के उसका ये कैरेक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग है उसे लंगरबाद से बैठा रहना सारा अब मुझे गुस्सा ये चढ़ता है इतना इतना बड़ा एक्टर इतना अच्छा एक्टर और आप उसको जाया कर दिया आपने ना उसके कैरेक्टर से उलझन होती है मुझे तो देख के उलझन होती है कि यार ये क्या हालांकि he could have outperform his previous performances वो अभी भी अगेन वही वाली बात कि वो इस कैरेक्टर को अगर वो इतना अच्छा निभा रहे हैं कि आपको उससे चिढ़ हो रही है ये उनका करेक्ट है उनकी एक्टिंग है ना तो अगर But the writer didn't do justice with नहीं बिल्कुल भी नहीं जहाँ इतने कैरेक्टर्स पे काम हुआ था ना फिदी का कैरेक्टर को उन्होंने उसको सही से उसके इतने स्टेप्स मिस कर दिए कि आपको मजा नहीं आता उसको देखने का सो माय पॉइंट इज कि अच्छा दूसरी एक और चीज बात रुमाना बाजी जो है उनको फीदी से क्या क्या उनको कहां से उसके अंदर वो जी वो दर्द है और आप मुझे माफ कर दें वो चिड़ के कहते हैं कि यार मैंने कर दिया तुझे माफ फिर भी जा रही है इतनी लीच है रुमाना बाजी नहीं 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 आपने मुझे माफ नहीं किया मुझे माफ करें क्यों तो मुझे वो चीज इरिटेट कर रही exactly. है अगेन जब भी कोई कैरेक्टर इस तरह का आप लिखें जरूर उसको स्पिरिचुअलिटी तक लाने के लिए उसको जरूर दिखाएं जर्नी दिखाएं yes. वरना आप कैरेक्टर के साथ ना ज्यादती करते हैं फिर हम लोग पता है हम एक्टर को बुरा नहीं कहते मैं हमेशा कहती हूँ कैरेक्टर की बात कर रहे होते हैं गला थक गया हमारा क्या हाँ, क्या बहुत हाँ, आप सब्सक्राइब कर लिया मैं जल्दी से हाँ, नहीं पता हमारा तो गला जी थक ये गया। था अभी दोबारा देखना शुरू करें जिन्होंने छोड़ दिया है क्योंकि अब बहुत मजा आने वाला है अब फिदी की जर्नी टुवर्ड चलो जो उन्होंने मिस किया हम बता हमने आपको कह दिया वो इमेजिन करके अब आगे देखें तो जी सब्सक्राइब करें चैनल इंस्टा पर फॉलो करें प्यार देते रहें रिव्यूज देते देखते रहें और अपने कॉमेंट हमसे शेयर करते रहें ताकि हमें पता चल सके आपको क्या अच्छा लगता है देखने को बहुत बहुत शुक्रिया अल्लाह हाफिज़ अल्लाह हाफिज़